हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सी एम एम हैक। सो अभी 10 दिन बचे हैं सी एम ए इंटर के एग्जामिनेशन को फॉर December 2020 अटैम्प। तो आई हैव मेड दिस स्ट्रैटेजी, सो आप लोग इसको देख लीजिए। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी। न्यू सिलेबस आप लोगों को कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी 1 December to 9 December। सो ये मैंने छोटा सा टाइम टूल बनाया है। तो आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कंप्लीट करने, जैसे लॉ एंड एथिक्स में ICAI है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद में कंपनीज़ एक्ट और कॉस्टिंग में, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को वो कंप्लीट करने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, ये सब आप लोग को पहले कंप्लीट करना है। और DTA एंड IDTA में सबसे पहले आप लोग को सेक्शंस और सारे प्रोविजो पढ़ लेने हैं। तो आप लोग को कम से कम 5 दिन DTA करना है, जैसे फिर आप लोग को खुद से ये चारों पांचों के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DTA, आइडेंटिंग के खुद से आप लोग ट्राई करना। एंड उसके बाद में हो गया रिवीजन, तो रिवीजन लॉ एंड एथिक का बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सारे सब्जेक्ट के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी। सो दिस इज़ फॉर 10 डेज स्ट्रेटजीज। एंड फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फॉर मोर थिंग्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो ये बस न्यू सिलेबस के लिए, सिंगल ग्रुप वालों के लिए छोटा सा टाइम टेबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।